गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. इन प्रीवियस क्लास वी आर रीड अबाउट द टेम्पररी डेमोक्रेसी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड. जैसा कि हमने पिछली कक्षा में समकालीन विश्व में लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, इसमें हमने दो राष्ट्रों की, दो देशों की कहानी के माध्यम से ये देखने की कोशिश की कि आखिर जो लोकतांत्रिक सरकार है, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, उसके बारे में हमने देखा कि किस तरीके से जो लोकतांत्रिक सरकार है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, वह बनती है और बिगड़ती है. मतलब क्रिएट होती है, बनती है और बिगड़ती है, डिस्ट्रॉय होती है, नष्ट होती है. इसमें हमने एक बड़ी चीज़ देखी थी कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो लोकतांत्रिक सरकार है, वो स्टेबल नहीं है, इज नॉट स्टेबल परमानेंट. इसको हमने कैसी अचीवमेंट माना था, इसे हमने एक ऐसी अचीवमेंट माना था जो कि क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है. अब चाहे वो चिली की गवर्नमेंट हो, चाहे वो पोलैंड की गवर्नमेंट हो, तो इसको हमने कैसा माना था, अनस्टेबल और अनसर्टेन गवर्नमेंट अचीवमेंट माना था. किसको, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, है, जिसमें हमने देखा था 1973 11 सितंबर 1973 चिली चिली है कि चिली के बारे में हमने देखा था. चिली में हमने देखा था कि जहां पर क्या हुआ था कि जो अलांदे सल्वाडोर की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो चेंज हो गई, उसे क्या कर दिया गया, उसे रूट आउट कर दिया गया, उसे उखाड़ फेंका गया. है किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया, तो यहाँ पर हमने देखा था कि पिनोशे के द्वारा इसको जो है पिनोशे ने क्या किया कि जो अलांदे की गवर्नमेंट थी उसको चेंज कर दिया, उसको रूट आउट कर दिया, उसको परिवर्तित कर दिया या उखाड़ दिया. इसके अलावा देखें कि हमने इसके अलावा देखा था कि पोलैंड में है कि जहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, जहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट थी, जहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी साम्यवादी सरकार थी या साम्यवादी दल का शासन था, रूल ऑफ कम्युनिस्ट है, साम्यवादी शासन था, जहाँ पर फिर क्या हुआ. यहाँ पर हम अगस्त की बात करते हैं, 14 अगस्त 1980 14 अगस्त 1980 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जहाँ पर क्या हुआ, एक प्रोटेस्ट हुआ, एक विरोध हुआ, किसके द्वारा, तो यहाँ पर बतलाया जा रहा है गंडा के जो लेनिन शिपयार्ड के जो वर्कर्स थे, लेनिन शिपयार्ड गडास के जो वर्कर्स थे, जिनको जिन्होंने क्या किया, एक क्रेन ऑपरेटर और एक मशे जो महिला मजदूर थी उसको गलत तरीके से, अन्यायपूर्ण तरीके से, अनजस्टिस तरीके से पद से हटा देने के कारण, उन्हें उनके नौकरी से निकाल देने के कारण क्या किया था, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने स्ट्राइक की, उन्होंने हड़ताल की. इस हड़ताल को जो है फिर किसके द्वारा, एक अन्य मजदूर जिसे 1976 में 1976 में क्या कर दिया गया था, जिसे 1976 में उनकी नौकरी से हटा दिया गया था, जिसे लेक वॉलेशा का नाम दिया गया. यहाँ पर लेक वॉलेशा नामक एक मजदूर ने जो है अपना नेतृत्व दिया, अपना क्या दिया, नेतृत्व दिया. तो यहाँ पर ये जो चेंज आते रहते हैं, ये जो परिवर्तन आते रहते हैं. अब हम यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में आगे पढ़ेंगे और कुछ देखेंगे. जैसा कि हमने देखा था कि जब 17 साल के बाद में चिली में जब चेंज आया है, जब पिनोशे के द्वारा जो है इलेक्शन करवाए गए, ये विचार रखते हुए
ये विचार रखते हुए कि जो लोग हैं वो अपने लोकतंत्र को भूल चुके होंगे, हैं लोग जो है वो अपने लोकतंत्र को भूल चुके होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और न ठीक 17 साल बाद यानी कि 1989 के आसपास आते आते क्या हुआ कि जब इलेक्शन हुए तो लोगों ने डेमोक्रेसी को चूज़ किया है। तो ऐसा क्या रहा, ऐसी कौन सी चीज़ें रही हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे, हैं फीचर्स देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पिनोशे एंड कम्युनिस्ट्स, हैं यानी कि पिनोशे एवं साम्यवादियों के शासन में अंतर, कि इन दोनों जो ये गवर्नमेंट थी, ये दोनों जो रूल थे, रूलर्स थे, इनमें क्या डिफरेंस था, इनमें क्या अंतर था। हालांकि दोनों के दोनों एक से ही रूल थे, हैं कि जो डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे, डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे, हैं लेकिन दोनों में क्या थी, इक्वलिटी थी, डिफरेंस था। और ये डिफरेंस क्या था, ये अंतर क्या था, तो यहाँ पर बात आ रही है निकल कर डिफरेंस की। तो पहला जो डिफरेंस आ रहा है कि जो रूल था चिली की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, पिनोशे की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पिनोशे। पिनोशे की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसके शासन में हम देख रहे हैं रूल बाय ए मिलिट्री डिक्टेटर, के जो एक सैनिक तानाशाह था, सैनिक तानाशाह, सैनिक जो तानाशाह था वो यहाँ पर शासन कर रहा था, है यहाँ पर शासन कौन कर रहा था, सैनिक तानाशाह। मींस क्या हो गया इसका, इसका मींस ये हो गया कि होल जो पावर थी, पर टोटल जो शक्तियाँ थी, समस्त जो शक्तियाँ थी वो किनके हाथों में थी, वो एक व्यक्ति विशेष के, इंडिविजुअल के हाथों में थी, व्यक्ति विशेष के हाथों में थी। ठीक है, सैनिक तानाशाह का मतलब हो गया एक व्यक्ति के हाथों में आ गई सारी शक्ति, के जो फोर्स को, जो मिलिट्री को कमांड करता था, जो उनको दिशा निर्देश देता था, या जो उनका कमांडिंग ऑफिसर था, जो उनका नेतृत्व करता था, संपूर्ण जो शक्तियाँ थी, होल जो पावर थी वो उसके हाथों में थी। नेक्स्ट यहाँ पर बतलाया जा रहा है, देखें कि ओपनली फेवर विद बिग कैपिटलिस्ट, है कि जो किसका पक्ष लेता था, ओपनली यानी खुले तौर पर, बिल्कुल खुले तौर पर, बिना डरे वह किसका पक्ष लेता था, वह जो है बड़े पूंजीपतियों का पक्ष लेता था, है बड़े पूंजीपतियों का पक्ष लेता था, बड़े पूंजीपतियों का वह पक्षधर था। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिफरेंस की, तो अब हम पोलैंड की बात करते हैं, जहाँ पर जो पावर थी वो कम्युनिस्टों के हाथ में थी, कम्युनिस्टों के पास में थी, साम्यवादियों के पास में थी, हैं ये साम्यवादी क्या कहते हैं, रूल्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी। अब यहाँ पर देखें कि मिलिट्री डिक्टेटर आ रहा है और यहाँ पर रूल कौन कर रहा है, यहाँ पर रूल्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि एक राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, वहां इंडिविजुअल था लेकिन यहां क्या हो रहा है, पर्टिकुलर एक ग्रुप है जो क्या कर रहा है, रूल कर रहा है, जो शासन कर रहा है। तो यहां पर देखें एक डिफरेंस क्या हो गया यहां पर, कि यहां पर इंडिविजुअल का जो है कंट्रोल है और यहां पर पर्टिकुलर ग्रुप का कंट्रोल है। ठीक है, तो क्या इस ग्रुप को पीपल्स ने चूज किया, नहीं, दोनों को जो है लोगों ने नहीं चुना है, अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है दोनों ही, हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने जबरदस्ती जो है शासन शक्तियों को हथिया लिया है, है?
नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसा कि इन्होंने क्या किया है, ओपनली फेवर किया है बिग कैपिटलिस्ट का, बड़े पूंजीपतियों का यहाँ पर पक्ष लिया है। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं पोलैंड की बात करते हैं, तो पोलैंड में क्या होता है, क्लेम बिहाफ ऑफ द वर्किंग क्लास, यहाँ पर दावा किया जा रहा है। देखें भाई कि यहाँ पर दावा किया जा रहा है, यहाँ पर मजदूर वर्ग के आधार पर है कि किसके आधार पर, मजदूर वर्ग के आधार पर क्या किया जा रहा है, मजदूर वर्ग के आधार पर दावा किया जा रहा है कि भाई हम किसके बिहाव पर यहाँ पर जो है गवर्नमेंट रूल कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चला रहे हैं, गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मजदूर वर्ग आ रहा है भाई कि जो ऑन द बिहाफ ऑफ वर्किंग क्लासेस है, कि जो मजदूर वर्ग है उनके आधार पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। तो ये मेन डिफरेंस है यहाँ पर इन दोनों गवर्नमेंट में। ये दोनों गवर्नमेंट हालांकि क्या थी,